ओके हाय गाइस, प्रिलिम्स के लिए हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया आप लोगों का, दैट इज 2023 के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन में बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो इस साल तो नहीं टारगेट कर रहे बट नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं। ये बैच हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस, 100 डेज का क्रैश कोर्स है, हम लोग ये कमिट कर रहे हैं। बट प्रोबेबली हम लोग इसको भी उससे भी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग इस पर अटेम्प्ट दे रहे हैं दे कुड गेट अ सफिशिएंट टाइम ताकि वो अपना भी रिवाइज कर सके। ठीक है, स्पेसिफिकली हम लोग रिविजन्स के ऊपर सभी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे हम लोग फुल एम्फेसिस रखेंगे उसके ऊपर, राइट। प्रिलिम्स की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे गाइस। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 1, 3, 2 अगर मैं ओवरऑल ही बात करूं कि प्रिलिम्स क्रैक करने के लिए हम लोगों को ना 3-4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। प्रिलिम्स स्पेसिफिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने सुना, कई लोग जो होता है ना दे सेड कि हमारा प्रिलिम्स ना कभी नहीं रुकता। बहुत लोग होते हैं ऐसे बोलते, प्रिलिम्स नहीं रुकता हमारा कहीं। और कई बार IAS IPS सेलेक्ट हुए लोग भी नेक्स्ट टाइम में उनका प्रिलिम्स भी नहीं क्रैक होता। तो ऐसी क्या एबिलिटी है कि जो लोग प्रिलिम्स हमेशा ही क्रैक कर जाते हैं एक बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन के साथ, उनकी क्या खास बात होगी? मैं ये बड़ा ही कट और शॉर्ट सा रखूँगी, ठीक है, कि प्रिलिम्स के लिए हम लोगों को क्या क्वालिटी चाहिए। नंबर वन, दैट इज वोट। हम लोग ना चीज़ें जितनी मर्जी पढ़ लें, हम लोग जितनी मर्जी पॉलिटी पढ़ लें, हम लोग जितनी मर्जी इकॉनमी पढ़ लें, हम लोगों को एक थर्ड विजन, एक बोलते ना तीसरी आंख तब तक नहीं खुलती जब तक हम लोग MCQ नहीं करते गाइस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्रॉब्लम्स आज तक नहीं रुका, उन लोगों ने पता नहीं कितना एम्फेसिस डाला होगा MCQs पे। और ना ये बात मुझे लगता है सबको पता, बट आज तक आप लोगों ने कितने MCQs सॉल्व किए? ऐसा नहीं है इट इज ना अ वेरी न्यू थिंग टू यू गाइस, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत बार पता है। पर कौन इस पाथ पे चल पाता है, कंसिस्टेंट रह पाता है, सिर्फ उसकी खेल है। मुझे आप लोग बता दो आप लोगों को कितना टाइम हुआ तैयारी करते हो, क्योंकि जितने भी अभी क्रैश कोर्स पे भी आए हैं दे आर ऑलमोस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ क्वाइट गुड टाइम। आप लोगों ने आज तक कितने MCQ सॉल्व किए, कितने किए? बस हाँ जी, कम 7-8 ऑन डेली बेसिस। हाँ, टोटल कितने हो गए? आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन दैट, सिर्फ ये प्रॉब्लम है हम लोगों की। और इस बैच के अंदर ना अब हम लोग ना यही सोच रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस हम लोग डेली प्रोवाइड करेंगे। DPQs, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप लोगों को रोज मिलेंगे 25 क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई कर देना 100 दिन के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली ये 2500 आपके जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट इज नॉट दैट कि आप लोग ये 25 क्वेश्चन जो है करो, ठीक है, वो तो हम लोग कर ही लोगे। उनसे सीखना, उनको रिवाइज करना अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे। दैट इज़ कि आप उन MCQs को आप लोग कंसिस्टेंटली रहो, बहुत बहुत मतलब कि कुछ भी हो जाए पर ये जो हमारा जो ये 25 क्वेश्चन देंगे ना वो अच्छे से सॉल्व करना। मैं नहीं बोल रही कि इन 25 क्वेश्चन में से ना आपके 100 के 100 इसी में से ही निकल जाएंगे। पता है आइडिया क्या होता है MCQs करने का? आइडिया ये होता है कि आपका ना एक नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाए। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो आपने MCQ किया उसका आपका नॉलेज बेस अच्छा हो जाए। आपको नहीं पता कि वो जो पढ़ी हुई चीज़ है कैसे आपको एप्लीकेबिलिटी आपकी कल दिन को प्रॉब्लम्स के बीच में निकल जाए। इस एस्पेक्ट से पढ़ना कि हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट।
इसको ना रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं बच्चे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. आज ना मैं स्पेसिफिकली तभी आई थी क्लास में. मुझे पता है आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड. कल रात को मेरे को इतना बुखार था. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं जाऊँगी, मैं बोलूँगी, इससे ज़्यादा बुरी हालत तो नहीं हो सकती ना तुम्हारी, कि 103 बुखार है, तुम भी तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हो, डिलीवर कर रहे हो. गाइस, आप लोगों को ये 100 दिन सब कुछ भूल के एटलीस्ट अपना 100% हो, कंसिस्टेंट रहो. 112 दिन रहते हैं. आई नो कभी संडेज होगा, कभी आप लोगों के घर में फैमिली फंक्शन होगा, कभी कुछ होगा. एटलीस्ट आप लोग 90 डेज तो 100% दो ना. आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी लेवल्स कंसिस्टेंट रखो. जब आप लोगों को लगे ना यार चीज़ें बहुत बोरिंग चल रही हैं, वही चीज़ आप बार 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 कर रहे हो, प्लीज़ उसको ना कंसिस्टेंट रहना. वो बोरिंग आप लोगों की कब हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आपको पता ही लगेगा. और आप बोलोगे ये 25 क्वेश्चन के थे, इतनी आदत पड़ गई है. आप लोग उठाओ यूट्यूब या फिर कोई वेबसाइट, कितने लोग हैं गाइस, कितने अच्छे अच्छे आपके MCQs प्रोवाइड करते हैं, करो उनको, वहाँ से आपका सॉर्टेड आउट करो और वहाँ से करना शुरू कर दो. पर ये 25 MCQs ना एक हैबिट बनानी है. और जब आप लोगों का प्रिलिम्स आपके सर के ऊपर है ना, तो आई वुड सजेस्ट ये तो आप करो ही. प्लस ना आप लोगों के जैसे ना 1000 MCQs हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़रूर कोशिश करो गाइस कि आप लोग सॉल्व करो. अगर आप लोगों ने इस बार अटेम्प्ट सोच रहे हो देने की दैट इज 2023 का, और बाकी क्लियर करना चाहते हो, सिर्फ ये फंडा है इस क्रैश कोर्स में, सिर्फ ये बताना चाहते हैं हम लोग कि MCQs की क्या इम्पोर्टेंस है. MCQs तो गाइस इज अ डिफरेंट थिंग, आपकी टेस्ट सीरीज इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. टेस्ट सीरीज आप लोगों की चलनी है, हम लोगों की इसमें भी बच्चे स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट ना, 4 मॉक टेस्ट बैठ के लिखना बहुत ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि आप कैजुअली घर लेके टेस्ट तो पढ़ लिया जाके, नहीं, माहौल बना के रूम में जितने भी ऑनलाइन बच्चे आप लोग हो तो 2 घंटे आप अपने स्पेयर करो और प्रॉपर टेस्ट दो, जैसे कि आप UPSC में देते हो. अपने कोई भी फैमिली है या फिर आप लोग ऑफलाइन में आ रहे हो तो यहाँ पे बैठ के प्रॉपर वो टेस्ट दो, और 4 मॉक टेस्ट ऐसे देने बहुत ज़रूरी है. इसमें क्या होता है, ये तो बच्चे हम लोगों के हो गए प्रैक्टिस MCQs, ये तो हो गए बच्चे हमारे प्रैक्टिस MCQs. जो हमारे टेस्ट सीरीज होती है ना, जब हम हॉल में पूरा बैठ के लिखते हैं टेस्ट, तो हमें ना अपनी ना गलतियों के बारे में पता लगता है. गलतियों के बारे में क्या पता लगता है कि आपने कई बार नोट नहीं पढ़ते कभी आप लोग. मेरे साथ तो बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, पता नहीं क्यों मैं हमेशा नोट डालना देखना ही भूल जाती. मैंने अब आप लोगों को अपना पता होगा, पर ये ना तब तक नहीं पता चलता जब ना आप लोग ये 4 घंटे प्रॉपर माहौल में नहीं लिखते पेपर. ऐसे बहुत हड़बड़ाहट होती है हम लोगों को, हमें पता लग जाता है कि हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट है. आपको ये नहीं पता लगता कि बाकी 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, 1/3 उन्होंने नॉन करेक्ट पूछा हुआ. सारे ऑप्शंस पढ़ने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. इसको बच्चे बोलते हैं हम लोग एनालाइजिंग योर नेगेटिव्स. नेगेटिव जो आप लोगों के गलत हुए हैं ना क्वेश्चन, उनको एनालाइज करना है कि वो गलत क्यों हुए. 100 क्वेश्चन होते हैं बच्चे हम लोगों के, अगर आप उसमें से 75 भी कर रहे हो तो उसमें ना करेक्ट की रेशियो बढ़ानी है बस हम लोगों को. 50-60% हम लोगों के करेक्ट हो जाएंगे ना तो हमारी कट ऑफ क्लियर है. हर साल हमारी कट ऑफ कितनी जा रही है, 40-45% 50% कैटेगरी में तो और भी कम. ये तो जनरल की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं. वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कभी किसी किताब में है ही नहीं. वो बस आपका ना एक एंजाइटी फैक्टर वहाँ पे देखना चाहते हैं कि आप कितनी हड़बड़ाहट में कितने क्वेश्चन कर दोगे. वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक हमने पढ़ा, ये कैसे नहीं हमें आता होगा, ये तो हमने ज़रूर अटेम्प्ट करना है. वही आर्ट ऑफ इग्नोरेंस इज द पार्ट.
कि उसको ना एक चीज़ को इग्नोर करना भी ना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है यार नहीं आता होगा बाद में देखते हैं। ये ना अभी किसी का 90% कोई 90 अटेम्प्ट करता है, कोई 60 अटेम्प्ट करता है, कोई 50 अटेम्प्ट करता है। अब ये जो चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है ना कि आपने कितने क्वेश्चन करें, क्योंकि ये हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी है। किसी का इंटेलिजेंस जैसा अच्छा होता है वो ज़्यादा कर देता, किसी का नहीं अच्छा होता तो वो रहने देता। ये पता लगेगा जब आप अपने मॉक टेस्ट दोगे प्रॉपर तरीके से कि आपको कितने अटेम्प्ट करना है। आई कैन नॉट मेक अ लाइक हिट कि हाँ जी परमिंदर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 80 करना है, क्या पता तुम्हारे है ना इंटेलिजेंट गैस अच्छा ना हो, क्या पता युक्ता का उसने 50 क्वेश्चन किए और 50 के 50 ठीक है। ये आप लोगों को देखना है, ये मैं किसी के ना सर पे नहीं मंड सकती कि आपने बेटा इतने करना है तो ये वो नहीं है, मेरी कॉल नहीं है, वो आप लोगों का अपना है कि आप लोग कैसे देखोगे इस चीज़ को। वैसे तो देखो ये जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी इसकी फुल फॉर्म पता है क्या है? अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है यूनियन पर अनप्रेडिक्टेबल है। अभी मैं कुछ जो चीज़ें बोलने जा रही हूँ ना, मैं इस वजह से ही कह रही हूँ, मेजॉरिटी जो आजकल ना आपके यूट्यूबर्स है ना, और हम लोग एक्चुअली ना एनालिसिस करें ना तो उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, यस मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न एंड एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के बेसिक्स और एनवायरनमेंट, ये चार सब्जेक्ट में से ना 50-60 क्वेश्चन अभी पूछ रहे आसपास। पर मैंने अभी इसकी प्रूफ फॉर्म क्या बताई, अब आप हमेशा नहीं इसको कर सकते, पर ऐसा काफी टाइम से देखा जा रहा है कि ये एक काफी मेजर चंक लेके जा रहे हैं क्वेश्चन। पॉलिटी तो ना आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस, आप लोगों को ना सबको एक तो बहुत ईजी लगता है पर इसमें इतने ही ज़्यादा हनी ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना। मैंने बोला ना 1000 MCQs की आपकी ना सीरीज ना कोई भी YouTube पे देख देना या फिर कहीं से निकाल के, क्योंकि वो YouTube की सीरीज देखने से पता है क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि वो ना एनालाइज करा देते हैं साथ साथ में कि ये क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों, इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते थे। तो मतलब कि 1000 आपके ना लेके चलना कि 1000 कम से कम MCQs पॉलिटी पे ज़रूर करो, क्योंकि ये एक ऐसी आसान सीरीज लगेगी, आपको ऐसा आसान सब्जेक्ट लगेगा कि अगर इसमें से 20 क्वेश्चन भी आ गए ना तो आपके 14-15 कहीं नहीं है, और आप 14-15 की इम्पोर्टेंस समझते हो आई गेस। 30 नंबर और 40 कट ऑफ, बंदा एक से पीछे रह जाता है 40। हाँ एग्जैक्ट, पर ना बच्चे इस पे आपने बहुत ग्रेटर एम्फेसिस देना इन सब्जेक्ट्स पे। हम लोग भी क्रैश कोर्स में ना इन पे ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे, पर इट डजेंट मीन कि आप बाकी सब्जेक्ट छोड़ दोगे, जैसे कि साइंस एंड टेक एंड आर्ट एंड कल्चर। एंशियंट मटीरियल से तो ना या तो बिल्कुल ही आपको आसान क्वेश्चन पूछेंगे जो एलबीएम में से ही होंगे, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसको कोई किसी को नहीं आता हो, तो कई बार हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, तो हमें सोचता ये हमें क्यों नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता, भगवान ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ, इतनी अच्छी तो हिस्ट्री है हमारी। साइंस एंड टेक बहुत जरूरी है गाइस, आर्ट एंड कल्चर बहुत जरूरी है। एक ना मेजर चीज जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज योर करंट अफेयर्स। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने पूरा साल बड़े कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा? आप अगर ऐसा आपने किया तो आप 1% में से हो। मैं भी नहीं पढ़ पाती हमेशा न्यूज़पेपर, 1% लोग में से हो आप, हो जाता है, इट्स फाइन। बट
अब आप लोगों को बहुत सारे ना आप लोगों के समरीज आ जाती हैं, हम लोगों ने खुद अपनी जो है 6 मंथ्स की समरी तैयार कर ली है, ठीक है, वो पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट होता है। ये चीज को सोच के ना ये मत डरना यार, मैंने यार इस बार अटेम्प्ट नहीं देना यार, मैंने करंट अफेयर्स तो पढ़ा नहीं। पहला एंकर भी पूछोगे ना वो भी बोलेगा यार नहीं यार कभी कभी नहीं भी पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा एजेंडा नहीं। अब आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं, मुद्दा ये है, हम लोगों को करंट अफेयर्स अब पढ़ना चाहिए। बिकॉज़ टॉपिक्स तो वही है, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होती रहती है। सच्ची पढ़ना चाहिए अभी हमें न्यूज़पेपर, अगर हम प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार तो हम थोड़ा सा कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टैटिक पार्ट है इस पे भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। बच्चे हम लोगों को ना करंट अफेयर्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये बड़ा ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों की अपना भी, अगेन यू हैव टू बिल्ड योर ओन एम्पायर, वैसे आपको स्ट्रेटजी अपनी बनानी है, पर करंट अफेयर्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप लोगों ने मीन्स नहीं लिखना प्री क्रैक करने के साथ ही आईएएस बन जाओगे? नहीं ना, सो इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी एक समरी, पर ये है कि 40 मिनट से ऊपर नहीं लगाना न्यूज पेपर को, 40 मिनट दैट्स इट। सुन जरूर लो, चाहे आप लोगों मैं पहले भी बोलती हूँ एडिटोरियल सुनो कुछ भी करो, पर 40 मिनट्स आपको देने चाहिए क्योंकि मेंस के लिए कल दिन को काम आएगी वो चीज़ें। माँ जैसे कि आप लोगों का 28 मई को ही पेपर है, तो 1 मई को चलो आपने पढ़ना बंद कर दिया, 15 अप्रैल से पढ़ना बंद कर दिया, चलो वो भी एडमिसिबल है, बाद में आप लोग उसको कवर अप कर लेना, बट दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे आप न्यूज़ पेपर छोड़ दो। यही टाइम है जब मैक्सिमम आप लोगों की जो चीज़ें बजट में आ रही हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आ रही हैं, वही आप लोगों को प्रॉब्लम से पूछी जाएंगी और वही गलती बच्चा करता है। न्यूज़पेपर कभी नहीं आपको स्किप करना चाहिए, इट्स नॉट एडवाइजेबल। बाकी स्टिल हर बच्चे का अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होती है कि मैं ऐसा करूँगा कि हफ्ते में एक बारी वीकली करंट अफेयर्स पढ़ लूँ या फिर ऐसा कर लूँ, पर मैंने आपको जैसे बोला कि एक समरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग ना इन टच रहो चीज़ों के साथ ही, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है या क्या सब कुछ। करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे हमारे हम लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, दैट इज़ पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल। अगर आप लोगों को लगता है ना कि सो है या फिर कुछ भी है तो मॉडर्न हिस्ट्री उठा देना, ठीक है। देन इज योर एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में से ना बेसिक्स में से पहले पिछले ना 3 साल में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे, सब एनवायरनमेंट, और पिछले साल ना ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखना, पता नहीं 15-16 क्वेश्चन पूछे थे बेसिक में, तभी तो बोला ना अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं आज पूछ रहे हैं कल दिन को, क्या पता कि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ही ना आए, 5 क्वेश्चन आए। हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है हम लोगों के, वी कैन नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। हाँ, बट जो ट्रेंड चल रहा है उसके हम लोगों के अकॉर्डिंगली तो थोड़ा बहुत चलना ही होता है। हर साल ना जब भी पेपर होता है ना तो यूपीएससी में हमेशा यही आपके एनालिसिस आते हैं, भैया कैसा पेपर डाल दिया, बहुत मुश्किल पेपर था ये, इस साल भी यही होगा, आई एम सेइंग दिस, ये इस साल भी होगा। पर वही बात है कि आप लोगों की कट ऑफ भी तो देखो ना, आप कितनी कम चल रही हो, इस भाई तो आपकी सीट्स कितनी अच्छी हैं, 1100 सीट्स मीन समथिंग, बहुत अच्छा नंबर है 1100। और निहायत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि प्रीलिम्स या आईएएस आप कभी बन ही नहीं सकते उसके बिना, व्हाट इज इट, सेल्फ बिलीफ, अपने पे थोड़ा विश्वास रखो। कई बार ये क्या होता है कि बहुत इंटेलिजेंट बंदा ना जो IITians होते हैं, मैंने बोला कई बार नहीं क्लियर कर पाते हैं आपका प्रॉब्लम्स, नहीं करा कर पाते, बट कई बार एक बैक वेंचर जो है जो 30-40% वाला बच्चा है वो भी क्लियर कर जाता, बहुत लोग देखे मैंने। आपका कोई लेना देना नहीं आपकी ग्रेजुएशन से, यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं, आपकी कंपार्टमेंट आई थी प्लस टू में क्या परसेंटेज आई थी, इट डजेंट मैटर। अगर आपके पास एक सेल्फ बिलीफ और कंसिस्टेंट हो किसी चीज़ को लेके,
101% कर सकते हो आप। ये गेम ही सिर्फ पता है क्या है, मैंने बताया ना रूटीन, अभी भी है ना, जब आप 100 days करोगे ना, आप सबसे लोएस्ट पॉइंट पे फील करोगे नहीं यार इस बारी मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा इस बारी पेपर देने को ना, मेरा हो नहीं पाया, ये हो गया वैसा हो गया, बट ना जब आप लोग एक चीज को हैबिट बना लेते हो ना कि यार मैंने एमसीक्यूज करना ही है, मैंने 100 questions करने ही है, 25 questions को मैंने रिवाइज करने ही करने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, जब ऐसी आदत डालते हो ना आप लोग, बहुत बोर्डम हो जाता है एक टाइम के बाद, ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं, बट कुछ टाइम के बाद वही चीज़ आप लोगों को जो बोर्डम है ना आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि वो हैबिट बन जाएगी आप लोगों की। जिन लोगों ने नेक्स्ट टाइम भी प्रॉब्लम्स देना ना, मैं बोलूँगी 25 MCQ ज़रूर किया करो, चाहे YouTube में से खाना खाते हो आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, चाहे ये आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अपने आप लोग खुद अपने आप अटेम्प्ट करके देख रहे हो एंड सो ऑन, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सब्जेक्ट्स जो आपके जैसे इन्वायरमेंट है ना, और साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर है, इनको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट LBMs ही उठाने हैं हम लोगों ने इसके, और कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बाकी जो पॉलिटी है करेंगे, इसकी अपनी स्ट्रैटेजीज होगी सब कुछ। MCQs जितना ज़्यादा फोकस रखोगे ना उतना बेटर है, ये टाइम होता है जब हर कोई ना अपनी प्रिपरेशन ना, चाहे आप अपने नेक्स्ट ईयर देना है या फिर इस ईयर देना है, ये टाइम होता है जब ना आप लोग सिर्फ प्रिलम कंसेंट्रिक रहो, बिकॉज बहुत अच्छा मटेरियल आप लोगों को इस टाइम पे प्रिलम्स के ऊपर मिलता है, तो बेटर है कि इस टाइम पे अपनी 100% एनर्जी प्रिलम्स पे दो। उसके बाद जो मई जून वाला टाइम आता है ना, दैट इज योर मेंस टाइम, जून इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस। मैंने कल कई जब हम लोगों ने अपना दिया था ना अटेम्प्ट दिया था, तो जैसे ना अगस्त में होता था प्रिलम्स ना, पर उससे पहले मई में भी प्रिलम्स दिया हुआ है जून में, अभी भी जैसे मई जून में होता था, पहले अगस्त में भी होता था, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कई बार ना यू आर स्वेटिंग, क्योंकि इतना है ना आप लोगों को होता है और सब कुछ, तबीयत खराब होती है आप लोगों की, कई बार एग्जामिनेशन हॉल में पंखा भी नहीं चल रहा होता, सो मेक श्योर आप उसी कंडीशन के अंदर ना अपना पेपर भी दो, जो मॉक्स दो, ये बड़ा ज़रूरी फैक्टर है, हमें लगता है कि नहीं बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब यहाँ से पसीने निकल रहे होते ना और गुस्सा आ रहा होता है, ऊपर से लिखना होता है जब हम लोगों को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो अलग तरीके की एंजाइटी हो रही होती है, तो गुस्सा टीचर पे समोसे खा रहा है, खुशबू आ रही है, भूख लग रही है, ऊपर से है ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और उसी माहौल के अंदर ना आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए, वहाँ पे काम आते हैं आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस, आपकी आपकी जो फिजिकल हेल्थ है ना वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काउंटर करती है आपको मेंटली, मेंटली बनाने में स्ट्रांग बनने के लिए आप क्या करते हो, यू डू फिजिकल एक्सरसाइज, यही ना बड़ी एक अच्छी बात बोली है, कहते जो हमारी ना एनर्जीज होती हैं, हम लोग रोटी खा रहे हैं वी गेट एनर्जी, अब हमने पढ़ा है ना एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी ट्रांसमिटेड है ना, तो डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी जो आप खा रहे हो ना वो निकलेगी किसी ना किसी तरीके से, वो पढ़ाई से इतनी तो निकलती नहीं ना, यू आर रिलैक्स्ड है ना काम, या तो आप उसको फिजिकल एक्सरसाइज में निकाल दो या आप गुस्से में निकाल दो उसको बाहर लड़ाई करके, तो जब आप लोग फिजिकल आप लोग एक्सरसाइज करोगे ना 101% कह रही हो आप लोगों का दिमाग ना उतना ही रिलैक्स रहेगा और उतने अच्छे से ही आप पढ़ोगे। सेल्फ बिलीफ, MCQs एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मैं नहीं बोल रही कि डोले बनाओ जाके जिम में या फिर कुछ भी, पर आधे घंटे का ना या फिर जंपिंग जैक्स या फिर वॉकिंग ही, एक ब्रिस्ट वॉक होती है वो ज़रूर करो, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, हम लोगों को ऐसा लगता है न्यूसेंस यार क्या बोल रहे हैं, नहीं यार ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आज नहीं आप लोगों को ना थोड़ा सा और ओल्ड एज में आने शुरू होगा ना आप लोगों को पता लगेगा,
कि वाकई में ये चीज एग्जिस्ट करती है। अब मम्मी पापा जो है ना, हम लोगों की लड़ाई क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव अ लव विद देम। अगर नहीं निकलता ना तो एग्रेशन और लड़ाई में निकलता वो। धीरे धीरे जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा ना, वैसे वैसे ये चीजें पता लगेंगी कि इट इज देयर। एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में ना जरूर निकलती है। एक्सरसाइज करोगे तो वहां निकाल दोगे वो एनर्जी, अगर नहीं निकालोगे तो फिर लड़ाई या गुस्से में या फिर कहीं भटक जाओगे रास्ते में। MCQs, सेल्फ बिलीफ, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर विजन। मैंने पहले भी बताया कि ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोई नई चीज नहीं है ना, सबको पता। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम लोग कितना चल पाते हैं इस रास्ते के ऊपर। यहाँ पे पढ़ोगे, घर जाके पढ़ना ही पढ़ना है, घर जाके वो चीज रिवाइज करनी ही है। फिर जब हम लोगों की पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी या इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी 10-15 दिनों में, तो उसके बाद कीप ऑन रिवाइजिंग योर पॉलिटी। प्रिलम से पहले पहले आप लोगों की इस टाइम पे जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के कवर अप हो जाने चाहिए ना, दैट इज एटलीस्ट योर 4-5 टाइम्स। जो ये मेजर सब्जेक्ट्स लिखे ना हम लोगों ने, वो तो 4-5 बार हो जाने चाहिए गाइस। हम लोग एक बार एक चीज पढ़ते हैं है ना, छोटे होते हमने ABCD पढ़ी, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाके हमने वर्ड मेकिंग की, सेंटेंस मेकिंग की। तो आज अगर आप लोगों को ABCD दोबारा पढ़ाए तो कितना टाइम लगेगा आपको? कुछ सेकंड्स। वैसी आपकी प्रिपरेशन होती है। आपने इस 4-5 बार ही पढ़ना है, ठीक है? फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ना, जब आप लोगों ने तैयारी की है तो आप 2-2 महीने तक आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया, उसको 10 या 15 दिन में पढ़ना शुरू किया, जो भी आपकी क्लास में होगा। उसके बाद गाइस उसके 5 दिन में आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए, और 1 दिन में भी आप पूरी क्वालिटी पढ़ दो, ये भी आपकी कला होगी। होगा ऐसा? होगा, कोई इतना एजेंडा नहीं है। ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ी और फिर उसके बाद MCQs करो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 4-5 बार आपके सब्जेक्ट्स जो मेजर है ना, आपके रिवाइज होने चाहिए। मैं 4-5 बार इसीलिए बोल रही हूँ, ज्यादा इसीलिए बोल रही हूँ, कम से कम 2-3 बार तो हो जाए। इट इज द गेम ऑफ योर नंबर 1 प्रैक्टिस MCQs, नंबर 2 सेल्फ बिलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, नंबर 3 टेस्ट सीरीज या एनालाइजिंग योर नेगेटिव्स, एंड नंबर 4 दैट इज योर रिवीजन। दिस इज ऑल फॉर इट जो हमें प्रिलिम्स के लिए चाहिए। अपनी एनर्जी लेवल हमेशा कांस्टेंट रखना। कई बार तो हम ऐसे हाइट पे होते फर्स्ट डे पे और फिर उसके बाद बिल्कुल ही नेगेटिव में हो जाते हैं। ट्राई टू बी एज मिनिमम फ्लक्चुएशंस एज यू कैन। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पढ़ नहीं रहे, 1 दिन में आपने फिर 24 घंटे लगातार ही पढ़ती है, वो नहीं। रोज 10-10 घंटे अब तो टाइम है कि आप लोगों को 10-10 घंटे पढ़ना चाहिए, इंक्लूडिंग योर कोचिंग। यहाँ पे 4 घंटे लग रहे थे, घर जाके 6 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे। दिस इज द हाई टाइम, ठीक है? एनी डाउट्स गाइस? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जो मैं सिर्फ बोलना चाहती थी। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो ऑनलाइन। गाइस आप लोगों को कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है? मैं एनर्जी नहीं अपनी वेस्ट करूँगी ताकि मैं जल्दी रिकवर होकर वापस आ सकूँ, ठीक? बट यही चीज़ें हैं, सब मैंने बता दिया कि सबको ये चीज़ें पता होती हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि कौन इस लाइन्स पे चलेगा। जो चलता है ना वो निकल जाता है, जो नहीं चल पाता। मैंने और भी बता दिया कि ना ऐसे बहुत सारे, बहुत कम लोग होंगे जो मैंने भी बात की ना, है ना, बहुत कम लोग होंगे जो इस पे चल पाएंगे, पर वही निकलेंगे कल दिन को, ठीक है?
और ये भी नहीं डरना कि हमने यार पूरे साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ा नहीं है यार, हम लोग कैसे क्रैक करेंगे, सब कोई नहीं पढ़ता इतना रेगुलर, कोई नहीं होता, उसके लिए बने हैं इंस्टीट्यूट बने हैं और समरी दे रहे हैं, राइट? ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू.